तो भाई अपनी गाड़ी लग गई है खाली होने के लिए, अभी हो रहा खाली भाई लोग, मतलब टाटा अल्ट्रा T7। तो भाई गाड़ी ना खड़े खड़े पंक्चर हो गया, लगाए थे वो, कितनी गंदी हो गई है मतलब। तो भाई पहुंच गए दाना महादेव, सभी को आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु देखिए, सुबह जो है गाड़ी में दे दिया था चुंडी को और वो लेके गया था लोडिंग पे, लोडिंग करके वो आ गया है भैया। हाय फ्रेंडा, हाय। तो ये लोडिंग करके आ गया है और अपन जा रहे हैं नौगछिया बिहार, जो मुंगेर के पास है नौगछिया, वहाँ जाना है और मछली लोड है गाड़ी में। पहली बार मतलब मैं पहले भी बताया था कि मछली मैं लोड करता नहीं हूँ, पहली बार लोड कर लिया हूँ क्योंकि भाड़ा वाड़ा है नहीं भैया, तो कुछ तो लोड करना पड़ेगा, तो लोड कर लिए हैं भाई, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ बने रहिए सफ़र में, आपको हर चीज़ दिखाएंगे बताएंगे और बस चलिए मिलते हैं आगे। तो भाई पहुँच चुके हैं टेंगरा मोड़, ये देखिए ये है टेंगरा मोड़, और यहाँ से अपने को राइट घूमना है, मतलब यहाँ से हमें बिहार जाना है तो राइट होके जाएंगे। मैं जहाँ जाता हूँ समस्तीपुर, वहाँ से जो है मुझे तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास और जाना है, 170 किलोमीटर के आसपास जाना है, और तो वैसे ही जाएंगे जिस रास्ते से जाते हैं। ये रास्ता तो ठीक पड़ता लेकिन अब सिटी में से कैसे कैसे फिर हाईवे पे जाएंगे, फिर बक्सर, बक्सर से फिर दाहिने होके जाएंगे, तो आज इधर से ही जाना पड़ेगा, नहीं चुंडी अगर कंफर्टेबल है तो सीधे जा सकता है। सीधे जाओगे? चले जाएंगे, इसमें क्या है, समय लगेगा, पर रोड एक नंबर है, तो अपने को तो वो भी तो रोड सही है पड़ेगा, जाम ट्रैफिक। तो भैया ट्रैफिक में फंसे हुए हैं हम लोग, ठीक है अभी ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा, उधर भी गाड़ी इधर भी गाड़ी, हर जगह गाड़ी ही गाड़ी, फोर्स ए भैया फोर्स बढ़ो फोर्स। गाड़ी फोर्स इधर खड़ी, बाकी सब फोर्स वाले टेम्पो से जा रहे हैं। अरे रिगड़ागल बच गया, स्कॉर्पियो वाला गजब गया है सन ने दे करके भाई, इतना किस बात की जल्दी है मालिक, जल्दी थी चले गए। तो गुरु वहां से निकल के जो है जाम में से डायरेक्ट भाग भाग के एकदम चले आए कहाँ, मोहनिया, ये देखिए चाय भाई की दुकान है जहाँ चाय भाई पीते हैं हम लोग, तो ये मोहनिया है भैया, चाय की दुकान है पर अभी पीना नहीं है, आगे चल के वो खाना वाना खाएंगे भाई, सवारी गाड़ी है नहीं, सवारी कितना बैठाएंगे इसमें, हम ऑलरेडी दो बैठे हैं मैं और चुंडी, चुंडी हाय, साले हर बात में हाय, हाय। क्या मतलब कौन दिक्कत वाला कहा ना कहीं भाई, हम कुछ उल्टा बोल देंगे जाने तो, चलो रोक कह रहे हो, शीशा साफ कर ले और ओके। तो चुंडी कर रहा है शीशा साफ, अबे मार दिया हूँ कपड़ा, पानी मार के साफ करो, ये देख सकते हैं ये सब जो चमक रहा है, ये सब साफ करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि चमकता है, इससे दिक्कत होती है, बस भाई ज़्यादा हो गया पानी। तो दोनों लोग साफ करते हैं, दो हाथ लगेगा तो जल्दी हो जाएगा, दो हाथ लगेगा तो जल्दी हो जाएगा, समझ रहे हो? समझ गए? लगाएं दो हाथ। लगेगा तो जल्दी हो जाएगा जी सर। तो भाई अभी मोहनिया में रुक गए हैं, मतलब गाड़ी वाड़ी का शीशा साफ हो गया, चाय पी रहे हैं, वाओ मैं चाय पीता नहीं पर पी लेता हूँ। हाय क्या है रे प्रमोद नमकीन, फ्री में प्रमोशन करा रहा है प्रमोद, चालू माइटम भाई, देखो तीन दिन से कंटिन्यू जाग रहा हूँ, मैंने सीढ़ी लग रहा हूँ कसम से बता रहा हूँ। तो भाई देखिए मैं पहुँच गया अभी, क्या बोलते हैं कौन सी जगह पे यार, जगह का नाम पता नहीं, भिया से आगे हूँ और भाई लगा है भूख, तो गाड़ी ये रही पीछे, चुंडी आ रहा है और चल रहे हैं अपन खाना खाने, सामने होटल है दिखाता हूँ, ये देखिए सामने होटल है, यहाँ खाना क्योंकि घर से खाना शाम को खाया था और अभी चल के वापस खाते हैं, कुछ देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने के लिए, तो अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं आप सभी से। रोटी पापड़ चावल आलू भुजिया दाल प्याज सेम, खाना खा ले पहले,
तो खाते हैं भाई पहले, फिर मिलते हैं। तो भाई देखिए खाना वाना खा लिए, खाना खा के यहाँ से निकल रहे हैं। और खाना खाने के बाद ये पीछे जो होटल है, इस होटल के लिए सिर्फ दो शब्द, एक नाना पाटेकर की वो लाइन याद आ रही है मेरे को, ऊंचा मकान फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान। 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ठीक है, तो वही सही बात है कि ऊंचा मकान फीका पकवान, मज़ा नहीं आया भाई। ऊपर से कच्चा चावल, नहीं नहीं कच्चा चावल को, ऊपर से क्या है, परसों के जो है वीडियो देख करके याद आ रहा है कि ऊपर से बिहार राज्य। ऊपर से बिहार राज्य क्या होता है। तो भाई पहुंच गए दानापुर, और यहाँ पे जो है बारिश हो रही है, दानापुर नहीं बेटा से ही बारिश हो रही है। खाना खा के निकले हैं, उसी टाइम बारिश होना स्टार्ट हो गया है। और माफ़ करिएगा, और जो है बारिश अभी भी बहुत तेज़ हो रही थी, अब तो हल्का डाउन है। वाइपर जो है चुंडी बना दिया है, ये है दानापुर स्टेशन सामने। अब यहाँ से देखिए कितना समय लगता है भाई, आराम से ही जाना है, कुछ वो है नहीं। अरे तो चलिए यहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो भाई देखो पहुँच गए हैं हम लोग कहाँ, बेगूसराय। ये जो है बेगूसराय है, काम चल रहा है सड़क का, NHI का काम चल रहा है, और मतलब हाईवे का काम चल रहा है। और यहाँ से अभी जो है 110 किलोमीटर और बचा है जहाँ मुझे जाना है। हरे कृष्ण, ऐसे बतिया रहे तो नींद नहीं लग रहा है। अरे नहीं यार, तो नींद बूंद आने लग रहा है भाई। और उसके बाद जो है 110 किलोमीटर बचा है, 2 घंटा और लगेगा, 3:30 बज रहा है यानी 5:30, तो मैं 6 पकड़ के चला हूँ एवरेज की, 6 बजे पहुँच जाएंगे। 6 बजे पहुँचेंगे, फिर खाली वाली करके आराम से निकलेंगे अपना, फिर देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, कैसा क्या है, उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो भैया ये टोल पहुंच गए हैं, कौन सा टोल है पता नहीं, बेगूसराय के आगे ये टोल है, टोल प्लाजा। क्या कौन सा टोल प्लाजा, शाहपुर टोल प्लाजा। हाँ लिखा है शाहपुर टोल प्लाजा। ओके थैंक्स ब्रो। बस लगता नहीं है कि चालू है, ये बंद है ये, अभी नया नया चालू हो रहा है, पहले नहीं था, लग रहा है कि क्योंकि जब मैं आया था वहाँ खगड़िया गया था तो ये टोल उल था नहीं। नहीं है भाई, जाओ पार हो जाओ। रुक रहे हैं यार, ये अभी चालू हुआ नहीं है भैया, कैमरा वैमरा लगा दिया गया है बस। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बिना पैसे में टोल पार होते हैं। क्या बोलते चुंडी, कैसे भी कंपनी? क्या बोलते कंपनी, कमाए ले बहुत मनी। तो भैया पहुंच गए हम लोग खगड़िया, ये खगड़िया है। अरे जाओ ना भाई, क्या दीदी की हो। तो ये रास्ता जो है यहाँ से देखिए खगड़िया सिटी में जाता है अंदर, और मैं एक बार गया था कूलर खाली करने, और ये सीधा चले जाएगा पूर्णिया, नौगछिया मुंगेर। मुझे नौगछिया जाना है, तो मान लीजिए अभी 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा लगभग नौगछिया। चुंडी सो गया है और मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे रास्ते नहीं चलाया हूँ, मैं 2 दिन से जाग रहा हूँ, तो इसको नींद आने लगा, तो हम कहे दो लेके चले, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लेके चलेंगे। तो चल रहे हैं, ये सोया है, सोने रहने दीजिए, और हम पहुँचते हैं आगे, फिर मिलते हैं आप सभी से अब सीधे नौगछिया में। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं पहुँचने वाला हूँ नौगछिया, 20 किलोमीटर पहले हूँ मैं, और बहुत दिन बाद इधर आ रहा हूँ, 3 साल बाद लगभग। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, चुंडी अभी भी सोया है, और मैं जो है ज़्यादा तो लेके आया नहीं, लगभग ये खगड़िया से थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर पहले गाड़ी मेरे को दिया था, तो खगड़िया से 20 किलोमीटर पहले से मैं लेके आ रहा हूँ। और ये सोया ही था एक जगह रास्ते, मैंने चाय भी पी लिया क्योंकि नींद आ रही थी मेरे को भी, तो मैं कहा भाई चाय पी लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो चाय वाय पी के हम निकले हुए हैं, और अब जो है बैक कैमरे से पहले आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है सुबह का व्यू, और कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा शीशा देखिए कैसे डिज़ाइन में हो गया है बारिश की वजह से। भाई बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ली, बारिश अभी इधर आया हूँ तो बारिश नहीं हो रही है, बाकी खगड़िया अभी यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे तक बारिश था, तो अभी क्या कर सकते हैं भाई, बारिश का धीरे 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 आए हैं अपना जैसे इच्छा किया है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट
क्या बोलते हैं नौगछिया, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ जो है लेफ्ट में मुंह करके चलती हैं। देखिए ये गाड़ी लेफ्ट में चल रही है मुंह करके, ये दिखा रहे हैं आपको इधर के, मतलब लेफ्ट साइड इधर मुंडी करके चलती हैं इधर ये तो। भाई जोक सपाट, वो जो है केबिन लोड करके जा रहा है। कोई भी गाड़ी कभी लेफ्ट मुंडी करके कैसे चलेगी। भाई मजाक कर रहे थे यार, पर देखने में दूर से ऐसे ही लग रहा है ना कि लेफ्ट में मुंडी करके ये चल रहा है। भाई साहब हरियाणा नंबर गाड़ी है, मतलब ले के आ रही है ये। ठीक है तो चलिए आगे मिलते हैं। तो भाई देखो पहुंच गए हम लोग जहां खाली करना है वहां पे, गाड़ी लगा दिए हैं, वो 10-20 मिनट में आएंगे और गाड़ी आएगी, माल होगा पलटी, पलटी मार के फिर यहां से ला देंगे हम लोग खाली पेटी, और खाली पेटी लेके जो है वापस जाएंगे, और उसी पेटी में हो सकता है तो वापस लोडिंग हो, देखेंगे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखते हैं अभी जो भैया हैं वो आएंगे तो, मतलब नौगछिया से 10 किलोमीटर 10 नहीं 6.5 किलोमीटर आगे कोई अजय ढाबा है, वहाँ पे आया हूँ मैं, वहीं पे पलटी होगा, पलटी करके फिर यहाँ से जो है वो निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो पहले वो आते हैं फिर पलटी बल्टी करवाते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से। तो भाई देख सकते हैं गाड़ी कितनी गंदी हो गई है, मतलब बारिश बारिश पूरा, गाड़ी का हालत देखिए, अगर ऐसे दिखाऊँ तो देखिए पूरा गंदा हो गया एकदम, देख रहे हैं ये सब बहुत, उधर से पानी निकल रहा है मच्छी का, वो आए खाली कराएं पहले फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। तो भाई गाड़ी ना खड़े खड़े पंक्चर हो गया, लगाए थे वो। तो भाई अपनी गाड़ी लग गई है खाली होने के लिए, अब ये हो रहा खाली, भाई लोग अपना इधर खाली कर रहे हैं, इधर खाली करके फिर निकलेंगे। भाई मच्छी इतना महक चुका है ना कि दिमाग डिस्टर्ब हो गया। देखिए टाटा T7 अल्ट्रा, मतलब टाटा अल्ट्रा T7 बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई। तो भैया गाड़ी जो है वो हो गई है खाली, ये देखिए पीछे दोनों की दोनों गाड़ी खड़ी है, ये भी और बगल वाली लालू भाई की गाड़ी है, मतलब वो चलाते हैं गाड़ी है, वो ऐसे इनकी है। तो गाड़ी जो है खाली हो गई, यहाँ से अब निकलेंगे जो है हम लोग घर के लिए। बहुत समय हो गया, मतलब बहुत समय, भैया सुबह 6 बजे आए थे, शाम के 3 बज गए और टायर भी पंक्चर हो गया खड़े खड़े, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। भाई गाड़ी जो है हो गई थी गंदी, तो अपना चुंडी भाई गाड़ी धो रहा है भैया, परंडा गाड़ी धो रहा है। अब चल के एक स्प्रे लेंगे, पहले अंदर मारेंगे, बहुत महक रहा है, स्मेल ही स्मेल। का भल तो गुरु आप निकल चुके हैं, गाड़ी वाड़ी भी धो लिए, बहुत गोरा लग रहा हूँ मैं, क्या बात। सही भाई कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा वीडियो में हूँ, लग नहीं रहा हूँ सही में हूँ। क्या कहना चाहोगे आप फ्रेंड, भाई तेरे इस फ्रेंड से मैं थक चुका हूँ। ठीक है ये बताओ, शाम को 4 बजे रतुवन कर रहा है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मेरा उपवास था। ठीक है हाँ, और हिंदू नववर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे तरफ ठीक है, हम लोगों का साल आज से स्टार्ट होता है, तो हम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं नए साल की तरह। अंग्रेजों का नया साल तो जब होता है तब होता है, पर ये हमारा वाला है। ठीक है तो भैया देखो यहाँ से अब गाड़ी वाड़ी खाली करके हम लोग निकल रहे हैं, अब चलेंगे घर पे, और जो है इस वीडियो को ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके फॉलो कर लीजिए। और तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।